दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा के मुकुंदपुर पार्ट 2 की गलियों की हालत बदहाल है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर हमेशा पानी भरा रहता है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद शर्मा के ऊपर आरोप भी लगाए और कहा कि वो सिर्फ निगम के चुनाव के दौरान ही यहाँ पर आते हैं, उसके अलावा लोगों की परवाह उनको बिल्कुल नहीं। बुराड़ी विधानसभा के मुकुंदपुर पार्ट 2 में मेरे पीछे आप जो एक गली देख रहे हैं, स्थानीय लोगों का है ना, ये काफी सालों से नहीं बनी है और जो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं आशा अजय शर्मा, लोग भी उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि वो सिर्फ जब इलेक्शन थे नगर निगम के उसी समय नज़र आए थे, उसके बाद ही नज़र नहीं आए, ना ही यहाँ उन्होंने आके स्थिति का जायज़ा लिया और किन किन परेशानियों से इन लोगों को गुजरना पड़ता है। जी क्या नाम है आपका? मेरा पंकज शर्मा। पंकज शर्मा जी, गलियाँ टूटी हुई हैं, कितने समय से टूटी हुई हैं और कितनी परेशानियों का सामना आपको? वैसा जब इलेक्शन हुए थे ना तो उस टाइम में गली टूटी हुई थी और उस टाइम बनने के कगार पे था कि जी बन के जाएंगी, गलियाँ बन जाएंगी और आप देख लीजिए अब तक गली बनने पर ही हाल है। स्थानीय जो निगम पार्षद हैं या विधायक हैं, क्या कभी आते हैं आप लोगों से जायजा लेने के लिए, आप लोगों से पूछने के लिए कि गली का? यहाँ पर इलेक्शन के बाद नहीं आई जी। अच्छा, जो महिलाएं जो सारा दिन रहती हैं उन्हीं को होती हैं। जी क्या नाम है आंटी आपका? सावित्री। सावित्री जी, गली ये टूटी हुई है, कितने समय से टूटी हुई है और जो स्थानीय जो निगम पार्षद है शर्मा, क्या वो भी आते हैं यहाँ कभी पूछने के लिए आपसे? सर भैया क्या बताएं, बहुत बुरा हाल है यहाँ पर, कोई नहीं आता। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं।